नमस्कार, ज्ञान न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अदिति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बुलंदशहर डिबाई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का गांव से अपहरणकर्ताओं ने दिल्ली में ले जाकर सामूहिक रूप से दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को मामले की तहरीर दी है। कोतवाली प्रभारी ने तत्काल 3 को नामजद और 1 अज्ञात के विरुद्ध तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराते हुए पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला चिकित्सालय भेज दिया है, जहां मामले की जाँच की जा रही है। तहसील आपको बता दें कि कोतवाली प्रभारी ने बताया कि जाँच कर मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिर तो 4 लोग आए थे, मैं 4 लोग आने के बाद में 4 को बुला के लेके गए बहाने से बुला के ले गए, घर पे लेके गए थे। घर पे ले जाने के बाद में एक लौंडा तो चला गया, वो 3 लौंडे वहाँ पर मौजूद थे। तीन लौंडों ने मेरे संग काट दिया था। उसके संग में एक लौंडा तो हाईवे पर चला गया, उसके संग में मुझे दिल्ली भेजा गया था। दिल्ली भेजने के बाद में 12 बजे हम वहाँ पर पहुँचे। 12 बजे के बाद में हमारे घर वालों को पता चली, लौंडे के चाचा घर पे ही लौंडिया, वहाँ से हमारे घर वाले गए थे, मुझे लेके आए थे। क्या नाम उन आरोपियों के? एक का नाम तो लिक्की था और एक का नाम राजा, एक का नाम मनोज और एक का नाम जानते नहीं, उसे शिकल से जानते नहीं। तो ये विनीत गोल, ये पहले भी आपको परेशान करते हैं ये लोग? पहले नहीं, कम से कम 2 महीने से परेशान कर रहे थे। पढ़ती हो तुम कुछ? नहीं पढ़ रही।